apa kali ya, Kak? Hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। और आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भारत प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। आती है LG यानी LifeGood के एक नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए जो कि 2018 में लॉन्च होने वाला है और एक्सपेक्टेशन है कि ये जून तक लॉन्च होगा, कम से कम जून तक। तो यार यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा डिले हो रहा है यहाँ पर लॉन्च में, क्योंकि तब तक तो S9 Plus आधे से ज्यादा मार्केट यहाँ पर ले चुके होंगे और बहुत सारे स्मार्टफोन्स होंगे। Huawei का P20, P20 Pro, P20 Plus, P20 Lite यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब LG के लिए बचेगा क्या? तो यहाँ पर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक हुई है। तो बात कुछ ऐसी कि फ्लैगशिप सीरीज जो है इसमें LG के जो नाम है वो कोड नेम है यहाँ पर LG का JUDY। तो और यहाँ पर जो स्क्रीन आपको देखने मिले वो मिल रही है 6.1 inches की फुल HD 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले। और यहाँ पर जो डिस्प्ले पैनल यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा MLCD प्लस टेक्नोलॉजी वाला पैनल जो कि LG का ही है शायद। और यहाँ पर MLCD प्लस जो है वो शायद इसमें LG क्लेम करेगा कि यहाँ पर जो MLCD प्लस डिस्प्ले है उसमें आपको अच्छी खासी पहले जो नॉर्मल OLED डिस्प्लेज होती हैं उनसे, तो LCD IPS पैनल्स होते हैं उनसे थोड़ी बेटर यहाँ पर ब्राइटनेस मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर 35% कम पावर कंज्यूम करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ शायद बैटरी आपको अच्छी देखने को मिले। बाकी अब फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो स्नैपड्रैगन 845 होना जरूरी है। यहाँ पर 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज शायद आपको देखने को मिले। IP68 की सर्टिफिकेशन वाली रेटिंग मिलेगी, यानी डर्ट और डस्ट वगैरह डस्ट वाटर प्रूफिंग आपको मिलेगी इसमें। साथ ही वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट, AI पावर्ड कैमरा, ये एक मेन हाईलाइट है इसकी जो कि आपको शायद इस फोन में देखने को मिल सकती है। वो आती है PS4 यानी PlayStation को लेकर। यहाँ पर PlayStation Slim और PlayStation 4 Pro जो है उनकी प्राइसिंग बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कस्टम ड्यूटी 20% तक कर दी गई है बजट 2018 में। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग की वो काफी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर PS4 Slim जो कि आपको पहले देखने को मिलता था 28,990, 500GB वाला वेरियंट वो आपको मिलेगा 31,990 का। वहीं अगर हम बात करें 1TB वाले वर्जन की इसके, तो वो आपको मिलता था पहले 32,990 का जो कि अब आपको मिलेगा 35,990 रुपए का। वहीं PS4 Pro की बात करें तो वो आपको पहले 38,990 रुपीज़ का मिलता था जो कि अब आपको मिलेगा 41,990 रुपीज़ का। तो यहाँ पर मतलब ये चीज़ें होना तो लाजमी है। अब ये सब चीज़ें तब सस्ती होंगी जब अपने इंडिया में आके चीज़ें बनने लगेंगी। तो अगली जाती है वो आती है अतारी को लेकर। तो यहाँ पर जो अतारी है वो एक क्लासिक गेम डेवलपर है जो कि गेम्स वगैरह बनाता है। तो यहाँ पर जो है उसकी क्लेम किया है, यहाँ पर मतलब उसने अनाउंस कर दिया कि वो एक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा अतारी कॉइन। मतलब ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर अनाउंस तो कर दिया है, बाकी देखते हैं कब तक आएगा। तो अगली जाती वो आती है अब सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 Plus को। यहाँ पर जो इसकी अर्ली इंप्रेशंस यानी इसके लॉन्च से पहले कुछ इंप्रेशंस, यानी यहाँ पर जो है एक वो क्या कहते हैं सेशन रखा गया था जो है AMA यानी आस्क मी एनीथिंग सैमसंग की तरफ से। यहाँ पर जो रेडिट पर इसे पाया गया, तो यहाँ पर जो अर्ली इंप्रेशन की कुछ पिक्चर्स हैं वो आपको रेडिट पर देखने को मिल जाती हैं। पब्लिकली यहाँ पर कोई भी वो बात नहीं है कि लीक्स हैं या ऐसा कुछ, लीगल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पब्लिकली आप लोग देख सकते हैं जाके। यहाँ पर कॉपीराइट इशू वैसे मैं नहीं डाल सकता। खैर बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो है जो सोर्स से ये पता चला कि ये इसने जो है उससे पहले जो है आस्क मी एनीथिंग सेशन में इसे यूज़ किया था, तो उसने कहा कि 20 मिनट तक उस फोन के साथ रहा था, उस फोन को यूज़ किया था और उसके अकॉर्डिंग उसने स्पेसिफिकेशन में बताई वही है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर या फिर सैमसंग का एक्सिनॉस 9810 आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग वेरियंट अलग अलग जगह के हिसाब से यहाँ पर प्रोसेसर होगा। वहीं यहाँ पर गूगल असिस्टेंट मिलेगा, बिक्सबी मिलेगा, डेडिकेटेड बिक्सबी बटन मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक कहीं नहीं गया जो कि पहले लीक्स में आपको मैंने बताया था। यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 4K 60fps पर रिकॉर्डिंग इससे आप कर पाएंगे। और अगर आप बात करें 1080p पर तो 240fps पे और 720p में आप 480fps तक पर जा सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्लो मोशन भी आपको अच्छा देखने को इसमें मिलने वाला है। और बाकी यार यहाँ पर 3D इमोजीज वगैरह तो आपको देखने को मिलती ही है। और खास बात यह है कि इस फोन के लॉन्च होने से पहले ही इसके केसेस जो है वो मार्केट में मिलना शुरू हो गए हैं ऑनलाइन, शायद आप जाके चेक करिए, सर्च करना पड़ेगा। बाकी मैंने इस पर थोड़ी ज्यादा रिसर्च नहीं करी है, जब मैं आपको बताऊँ कि कहाँ पर मिल रहे हैं। थोड़ी जानकारी जाती है वो आती है स्टडी को लेकर। तो स्टडी के अकॉर्डिंग जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं वो हमारे फेस टू फेस कन्वर्सेशन या फेस टू फेस हमारी मुलाकात को लेकर कोई भी अफेक्शन नहीं डालती उसमें, यानी कोई भी अफेक्ट नहीं करती है उस पर। यानी हम मतलब स्टडीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव से फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी वो आती है बहुत ही कमाल की न्यूज सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग ने जो है एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है जिसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये जो डिवाइस है जिसका ये ट्रेडमार्क है वो डिवाइस आपको होगा शायद कंप्यूटराइज्ड विजन असिस्टिंग IVR यानी एक स्मार्ट ग्लास ये सैमसंग का होने वाला है। और यहाँ पर जो है आपको फाइलिंग जो की गई थी इस ट्रेडमार्क की उसमें कुछ डिटेल थी जिसके अकॉर्डिंग इस डिवाइस में आपको कैमरा मिलेगा कैप्चरिंग के लिए,
और जो कंप्यूटर मिलेगा प्रोसेसिंग के लिए और एक डिस्प्ले मिलेगी यहाँ पर इमेज को आपको बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन आप तक डिस्प्ले करने के। तो डेफिनेटली ये यार 100% जो है हमारा एक सैमसंग का स्मार्ट ग्लासेस होने वाले हैं। थोड़ी देर नहीं जाती वो आती है गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल 2 XL को। तो यहाँ पर जो है इसके यूजर जो है शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर गूगल के फोरम पे अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर शिकायत कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि हमने जो फेब्रुअरी का सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल किया है उसके बाद जो है हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुए हैं, पुअर बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक यूजर है जिसने ये क्लेम किया है कि उसका जो फोन है वो अप टू 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है फेब्रुअरी के अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। बाकी यार इतना ज़्यादा गर्म होना फोन को, स्पेशली फ्लैगशिप स्मार्टफोन को, थोड़ा अजीब बात है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। न्यूज़ वो आती है भाई साहब Huawei के P20 प्लस को लेकर। तो यहाँ पर ये फोन जो है वो मतलब लॉन्च होने हैं 27/3/2018 यानी 27 मार्च को। मतलब इनविटेशन तो दे दिया, यहाँ कुछ कहा नहीं गया कि यहाँ पर जो ये डिवाइस लॉन्च होगी। बाकी यहाँ पर 3 सर्कल है उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर पेरिस में ये वेन्यू है इसका, यानी पेरिस में ये लॉन्चिंग होगी। बाकी यहाँ पर लीक्स निकल गया कि इस फोन में यानी P20 प्लस है उसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। ये फंक्शन आपको मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर S8 प्लस की तरह जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसका फीचर भी आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर लेडीज आती है वो आती है नासा की तरफ से। नासा ने जो है अब नियरली 100 नए एक्सोप्लैनेट्स यानी अपने सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट को खोज लिया। और यहाँ पर मतलब इन प्लैनेट्स को जोड़ने के बाद यहाँ पर नासा के K2 मिशन के अंदर जितने सारे प्लैनेट्स खोजे गए वो अब तक टोटल नियरली 300 तक पहुंच चुके हैं। तो डेफिनेटली सोलर सिस्टम के बाहर 300 नए प्लैनेट्स को खोजा जा चुका है। तो फ्रेंड ये तो थी आज की हमारे की टेक न्यूज। आई होप आपको इस टेक न्यूज में मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको लगा मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको इस वीडियो में बताया, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, मैंने कहीं जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जैसे दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन जिस द्वारा से हो गई जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, डेफिनेटली मिस भी मत करेंगे, क्योंकि आपके मैं आपके लिए इस तरह के टेक न्यूज डेली और टेक रिलेटेड वीडियोस डेली अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। दिन की 2 वीडियोस अपने मेरे चैनल पर अपलोड होती है। जाके चैनल चेक कीजिए, कंटेंट पसंद है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को चैनल को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। बाकी यार शुरू कीजिए प्यार दिखाना यार, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो यार, 1 साल होने को है चैनल को, थोड़ा बहुत तो देखिए। बाकी यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।